हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सीरीज का ये मेरा पहला लेक्चर है और जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है विलियम शेक्सपियर। आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोइट ऑफ द एलिजाबेथन एज। और जो एलिजाबेथन एज है वो 1558 से 1603 तक रहती है। आइए अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ और उनके लिटरेरी वर्क्स से संबंधित नोट्स के बारे में। बर्थ। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 और उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इसमें एवन जो है वो रिवर का नेम है और ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन बार्विकशायर में पड़ता है। और ये क्वेश्चन टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। यहां मैंने मेंशन किया है साथ ही में ईयर्स जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को होता है और 3 डेज के बाद एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटी में बपटिजमेंट की, नामकरण संस्कार वाली। तो ये बपटिजमेंट सेरेमनी जो हुई थी ये 26 अप्रैल को हुई थी और वहां उनका नाम रजिस्टर में चर्च में दर्ज किया गया था, वहीं से ये रिकॉर्ड मिलता है। और जो स्ट्रेटफोर्ड है इट इज अ विलेज इन बार्विकशायर सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन का फॉरेस्ट चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, कई बार क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आया है टीजीटी और पीजीटी के तो वहां कंफ्यूजन था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में और स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियर कर दूं, शेक्सपियर का जहां बर्थ हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, टाउन है। पहले विलेज था, वो टाउन के रूप में डेवलप हो गया है और वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन उस जिले का नाम है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी ऑर्डर। और ये फादर और मदर का नाम ये भी टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एजुकेशन। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि उनकी एजुकेशन जब वो विलेज में थे तो एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैडफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन लेस्क्री, जिसे बाद में बेन जॉनसन ने कहा था कि वो बहुत कम पढ़े लिखे थे और उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था स्मॉल लैटिन लेस्क्री, ना तो अच्छे से लैटिन आती थी और ना ही ग्रीक आती थी। तो आप समझ सकते हैं ग्रामर स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी प्राइमरी लेवल तक स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। जब शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे तो 1582 में शेक्सपियर मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे और एनी हैथवे शेक्सपियर से 8 ईयर्स बड़ी थी। बाद में उनके ट्विंस हुए और ट्विंस में हैमलेट और जूडिथ, एक बेटा और बेटी रहते हैं। हैमलेट की हालांकि बाद में डेथ हो जाती है, बेटी की डेथ हो जाती है 11 ईयर्स की एज पर। शेक्सपियर की डेथ के बारे में बात करें तो ये एक बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि जिस डेट को शेक्सपियर बॉर्न हुए थे 23 अप्रैल, उनकी डेथ भी उसी डेट को हुई थी 23 अप्रैल 1616। ईयर जो था वो 1616 था, एट द एज ऑफ 52 स्ट्रेटफोर्ड में ही उनकी डेथ हुई थी और ये क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा जा चुका है। शेक्सपियर का जो ग्रेवयार्ड है बना हुआ, टॉम स्टोन है बना हुआ होली ट्रिनिटी चर्च में, उस टॉम स्टोन पर एक एपिटाफ लिखा है जो कि शेक्सपियर ने खुद ही कंपोज किया था अपनी डेथ से पहले। और वो एपिटाफ जो है उसकी लाइंस कुछ इस तरह से हैं, अ गुड फ्रेंड फॉर जीजस सेक फॉर बेयर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स बी दैट ही मूव्स माय बोन्स। अर्थात जो मुझे डिस्टर्ब करे यहाँ पर उस पर कर्स फॉल करे और जो मुझे आराम से यहाँ रेस्ट करने दे मे ही बी ब्लेस्ड। शेक्सपियर का जो निकनेम था सोब्रिकेट उनकी राइटिंग्स के आधार पर लोगों ने रखा था बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में बॉर्न हुए थे वो, एवन रिवर का नेम रहता है इसलिए उस रिवर का नेम उनके साथ जोड़ दिया गया और उन्हें एवन का कवि कहकर पुकारा गया। शेक्सपियर ने जो ऑक्यूपेशन अपनी लाइफ में अपनाया, आप जानते हैं कि शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट, वो एक्टर भी थे, उन्होंने कई सारे प्लेज में एक्टिंग भी की है और ही वॉज अ रनेशा प्ले राइट।
और ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा भी जा चुका है दैट ही वॉज अ रेनेशा प्लेराइट, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो एलिजाबेथन एज चल रही थी उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और फ्लरिशिंग पीरियड ऑफ रेनेशा कंसीडर किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो शेक्सपियर की लाइफ और उनकी राइटिंग से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट है कि बिटवीन 1585 एंड 1592 इसके बीच में कहीं शेक्सपियर बिगेन हिज सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर, और 1594 में शेक्सपियर ने जो एक्टिंग ट्रूप था एक्टिंग कंपनी के जो एक्टर्स थे उसको ज्वाइन किया लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये एक्टिंग कंपनी थी जो प्लेस को परफॉर्म करती थी, उस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन कर लिया। 1603 में इसी ग्रुप लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम बदल दिया गया और उसे किंग्स मैन कहा गया क्योंकि 1603 में जेम्स फर्स्ट राजा बन गए थे। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि 1599 में एक थिएटर एस्टेब्लिश किया गया जिसे ग्लोब थिएटर कहा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोब थिएटर। इस ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर का भी 1/10 अर्थात दसवां हिस्से का शेयर था, और इस ग्लोब थिएटर को साउथ बैंक ऑफ द रिवर थीम्स, थीम्स नदी के साउथ किनारे की तरफ एस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। शेक्सपियर के समय में पैटर्न्स हुआ करते थे जो संरक्षण दिया करते थे राइटिंग के लिए, तो शेक्सपियर हैड सेवरल पैटर्न्स, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नेम है उनके साथ जुड़ा हुआ वो है एक हैंडसम गैलेंट का, उनका नाम था अर्ल ऑफ सदम्पटन, ये उनकी डेजिग्नेशन थी, सदम्पटन के वो अर्ल थे और उनका नेम था हेनरी रॉट्सले। इन्हीं के लिए शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स डेडिकेट किए हैं और कई सारी पोइम्स डेडिकेट की हैं। अगला पॉइंट है कि 1623 में दो एक्टर्स थे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल, ये दो दोस्त थे और शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे, इन्होंने साथ में ज्वाइंटली शेक्सपियर के प्लेस को कलेक्ट किया और 36 प्लेस का एक कलेक्शन पब्लिश किया जिसे फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है, अर्थात शेक्सपियर के प्लेस का पहला कलेक्शन जिसमें 36 प्लेस थे वो 1623 में पब्लिश हुआ जिसे फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। इस फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस थे, एक प्लेस शेक्सपियर का ऐसा था जिसे इंक्लूड नहीं किया गया था, उसका नाम था पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। और 1590s के अराउंड ही शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स लिखे और शेक्सपियर ने टोटल अपनी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे हैं जिन्हें 1609 में 1609 में पब्लिश किया गया था, पब्लिशर का नाम था थॉमस थॉर्प, उनके द्वारा 1609 में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश किए गए थे। शेक्सपियर ने कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं, तो जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं उनमें कहानी कहीं ना कहीं से ली है, बोरो की है, तो जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनमें शेक्सपियर ने जो स्टोरीज बोरो की है वो बेसिकली ली है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड इस किताब से, और सर थॉमस नॉर्थ ने जो ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स इस किताब का, इन दोनों किताबों से शेक्सपियर ने स्टोरीज ली हैं और उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपना हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। शेक्सपियर के कुछ प्लेस ऐसे हैं जिनमें उन्होंने कहीं से कोई स्टोरी बोरो नहीं की है, जैसे लव्स लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर और टेम्पेस्ट, ये शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स कहे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज और फोर ग्रेट कॉमेडीज के बारे में, उनको नेम्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है। फोर ग्रेट कॉमेडीज जो शेक्सपियर की हैं उनमें हैं मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर के थ्री प्लेस जिन्हें रोमन प्लेस कहा जाता है उनके नाम हैं कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। शेक्सपियर ने जीवन के अंत समय में कुछ प्लेस लिखे जिन्हें ड्रामेटिक रोमेंसेस कहा गया है और उनके नाम हैं पेरिक्लीस, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जानने वाली यह है कि फ्रेडरिक एस बोस, जो कि एक बहुत पॉपुलर क्रिटिक हैं, उन्होंने 1896 में जब शेक्सपियर के प्लेस की स्टडी की तो उन्होंने शेक्सपियर के 3 प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस के नाम से रेफर किया। तो शेक्सपियर की ये 3 प्लेस प्रॉब्लम प्लेस के नाम से जाने जाते हैं और उनके नेम्स हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी। मॉडर्न एज के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं टीएस एलियट, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस पर एक क्रिटिकल वर्क लिखा और उसका नाम था उसका नाम था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। अपने उस वर्क में टीएस एलियट ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ को बताया कि मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, और इसका रीजन था क्योंकि टीएस एलियट ये मानते थे इमोशंस को डायरेक्टली एक्सप्रेस ना करके राइटर को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के थ्रू अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहिए। और टीएस एलियट का मानना था कि मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ का की प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए शेक्सपियर ने जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के रूप में बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैकबेथ एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। जबकि हैमलेट की समस्याओं को एक्सप्रेस करने के लिए शेक्सपियर एक बेहतर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए टीएस एलियट ने कहा हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेज में अपने आप ही रोल प्ले किया था कुछ एक्टर्स का, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, उनका जो प्ले था एज यू लाइक इट, उसमें शेक्सपियर ने एडम का रोल प्ले किया था। हैमलेट अपनी ट्रेजेडी में हैमलेट के फादर घोस्ट का रोल प्ले किया था। हेनरी फिफ्थ अपने प्ले में कोरस का रोल प्ले किया था और मैकबेथ में किंग डंकन का रोल प्ले किया था। शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शेक्सपियर का जो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है उसका नाम है हैमलेट, जिसमें 4042 लाइंस हैं और 29,551 वर्ड्स हैं। और शेक्सपियर का जो शॉर्टेस्ट प्ले है उसका नेम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसमें मात्र 1,787 लाइंस हैं और 14,369 वर्ड्स हैं। शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेज में राइम्स भी यूज किए हैं, हालांकि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है अपने अधिकतर प्लेज को, लेकिन कुछ प्लेज में राइम्स को भी यूज किया है। लव स्लेवर लॉस्ट ये एक ऐसा प्ले है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ राइमिंग लाइंस हैं। आप सभी ने प्रेपरेशन करते वक्त डब्ल्यू जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा होगा। तो डब्ल्यू जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पीरियड है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन जिसमें शेक्सपियर ने ट्रेजडीज लिखी थी, और फोर्थ पीरियड है अ पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म जिसमें शेक्सपियर ने ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे थे। एक और राइटर हैं एडवर्ड डॉर्डन, उन्होंने एक बहुत पॉपुलर बुक लिखी शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो 1875 में पब्लिश हुई। इसमें इन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया। उनके नेम्स थे इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। शेक्सपियर के प्लेस की ये लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है एक बहुत ही पॉपुलर स्कॉलर हैं माइकल डॉप्शन, उन्होंने पब्लिश किया है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर। ये लिस्ट उसी बुक से ली गई जिसमें ये दिखाया गया है कि शेक्सपियर ने जो कॉमेडीज लिखी हैं उनको अलग दिखाया गया है, हिस्ट्री प्लेस जो लिखे उनको अलग दिखाया गया है, और जो ट्रेजडीज लिखी गई उनको अलग दिखाया गया। हम लिस्ट को एक बार रीड कर लेते हैं। कॉमेडी में है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्यू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। जहां पर T04 T10 मैंने लिखा है उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन TGT में इस साल पूछा जा चुका है। अगर T04 लिखा है तो इसका मतलब है TGT में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस की बात कर लेते हैं। इनमें है हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड 3,
the tragedy of King Richard II, the life and death of King John, King Henry IV Part 1, King Henry IV Part 2, the life of Henry V और Henry VIII, और इसका दूसरा नाम है All is Two. अब शेक्सपियर की ट्रेजिडी की बात करें तो द ट्रेजिडी ऑफ टिटस एंड्रोनिकस, द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर, द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर, द लाइफ ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ, द ट्रेजिडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायरे, द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलोनस, द ट्रेजिडी ऑफ सिम्बेलाइन, द टू नोबल किंग्समैन. द टू नोबल किंग्समैन इनकम्प्लीट रह गया था शेक्सपियर की डेथ के समय, जिसे बाद में जॉन फ्लेचर, एक बहुत ड्रामाटिस्ट हैं उसी एज के, उन्होंने पूरा किया था. शेक्सपियर ने कुछ बड़ी पॉपुलर पोइम्स लिखी थी, उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है. वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, सोनेट्स हैं ये शेक्सपियर के कुछ, द पैशनेट पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड टर्टल, अ लवर्स कंप्लेन, और ये 1609 में इनके सोनेट्स पब्लिश हुए थे, और फिर एलिजी है लास्ट में, फ्यूनरल एलिजी बाय विलियम शेक्सपियर. ये कुछ बड़ी ही फेमस बुक्स हैं जो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं, जैसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, एटीएस एलियट ने लिखा है, शेक्सपियर इन द क्लासरूम, ये थियोडोर बेरी ने लिखा है, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी ये बहुत पॉपुलर है, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ये दोनों एसी ब्रैडली ने लिखे हैं जो कि शेक्सपियर के बहुत पॉपुलर क्रिटिक रहे हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये ऐसे है जिसे 1933 में लिखा गया था एलसी नाइट्स के द्वारा. ये क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा भी जा चुका है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि लेडी मैकबेथ के तो कोई बेबी ही नहीं था, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ये ऐसे का नाम है. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये 1823 में लिखा गया ऐसे है जिसे थॉमस डी क्विंसी ने लिखा है. ऐसी ही ये बहुत सारी बुक्स हैं जो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स की जो शेक्सपियर के बारे में किए गए हैं पॉपुलर राइटर्स के द्वारा. सबसे पहला है जी बी शॉ ने कहा है, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, अप्रिशिएट किया है शेक्सपियर को ये लाइन लिखकर. अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनैलिटी इट वॉज शेक्सपियर. फिर बेन जॉनसन ने लिखा है, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइंस एंड जॉय टू वेयर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स. मिसेज जेम्सन का कोटेशन है दिया हुआ, वॉल्टर पीटर का कोटेशन है दिया हुआ यहाँ पर, आप उसको पढ़ सकते हैं उनके प्लेस के बारे में. रॉबर्ट ग्रीन का ये टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था गोट्स बर्थ ऑफ विट 1592 में, उस पैम्फलेट में शेक्सपियर के लिए टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड ऐसे करके कुछ बोला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेन जॉनसन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी. इसके बाद बेन जॉनसन का एक और कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल ऑफ द एज द अप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आर स्टेज. और उन्होंने कहा था कि, जो कि हम पहले भी एक बार रीड कर चुके हैं, कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेन जॉनसन ने अपनी एक पोइम लिखी है, टू द मेमोरी ऑफ माई बीलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, उसमें शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा है. जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में लिखा है, आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, और ये उन्होंने अपनी जो पोइम है एलेलीग्रो में लिखा है. जॉन ड्राइडन का एक बहुत पॉपुलर कोटेशन है, आई एडमायर हिम, हिम रिफर्स टू बेन जॉनसन, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो जॉन ड्राइडन ने अपनी बुक एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में लिखा है. ऐसे ही बहुत सारे कोटेशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, पढ़ना. मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एक पोइम लिखी है शेक्सपियर, सोनेट है बेसिकली वो, उस सोनेट में एक लाइन लिखी है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दू आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क दू स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मैथ्यू अर्नॉल्ड के सोनेट में से, जो कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है. यहाँ पर
एसटी कॉलरेज का कोटेशन है दिया हुआ, द ग्रेटेस्ट जीनियस एंड परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। इसके बाद कुछ और कोटेशंस हैं दिए हुए, वोल्टेयर के, एसटी कॉलरेज के और थॉमस कार्लाइल के। आपके लिए सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर के कुछ वर्क्स पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हालांकि उनके प्लेस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर उनकी पोइम्स से और उनके सोनेट से संबंध मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उनके बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा शेक्सपियर की पोइम वीनस एंड एडोनिस के बारे में, जो कि 1593 में कंपोज की गई थी और ये क्वेश्चन टीजीटी में 2009 में पूछा जा चुका है। वीनस एंड एडोनिस वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी रॉट्सले और हेनरी रॉट्सले वॉज द अर्ल ऑफ सदैम्पटन। इस पोइम को कंपोज किया गया था 1992-93 में, जब लंदन में प्लेग आउटब्रेक हो गया था, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से प्ले हाउसेस वगैरह को बंद कर दिया गया था पब्लिक के लिए। तो इस पोइम का जो प्लॉट है इज बेस्ड ऑन पैसेजेस फ्रॉम ओबिट्स मेटामॉर्फोसिस। ओबिट की बुक है मेटामॉर्फोसिस, वहां से इसका प्लॉट लिया गया है और इस पोइम को 6 लाइंस के स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है। इसमें शेक्सपियर ने एक बहुत ही ग्राफिक डिपिक्शन प्रेजेंटेशन किया है सेक्सुअल एक्साइटमेंट का। दूसरी जो पॉपुलर नैरेटिव पोइम है शेक्सपियर की, उसका नाम है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, जिसे 1594 में लिखा गया था। ये एक पोइम है एक लेजेंडरी कैरेक्टर ल्यूक्रेशिया के बारे में। इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू हेनरी रॉट्सले, हेनरी रॉट्सले के लिए डेडिकेटेड है। इसका जो प्लॉट है वो ओबिट के फास्टाई पर और लिवाई की हिस्ट्री ऑफ रोम पर बेस्ड है। इस पोइम में 47 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा 7 लाइंस का है। जब 7 लाइंस का स्टैंजा होता है तो आप जानते हैं उसे राइम रॉयल कहा जाता है, और जो राइमिंग स्कीम होती है राइम रॉयल में वो है शेक्सपियर की इस पोइम में ए बी ए बी बी सी सी। शेक्सपियर की नेक्स्ट नैरेटिव पोइम जो है उसका नाम है अ लवर्स कंप्लेन। अ लवर्स कंप्लेन इज अ नैरेटिव पोइम। ये पोइम एक अपेंडिक्स के रूप में पब्लिश हुई थी शेक्सपियर के सोनेट्स के साथ में, और आप जानते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स को 1609 में पब्लिश किया गया था थॉमस थॉर्पे के द्वारा। ये जो पोइम है द लवर्स कंप्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 47 स्टैंजास ऑफ 7 लाइंस। इसमें 47 स्टैंजास हैं 7 लाइंस के, अर्थात राइम रॉयल में लिखी गई है, और इसका जो राइमिंग स्कीम है वो वही है ए बी ए बी बी सी सी। फिर बात करते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स की। शेक्सपियर ने इन टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे जो 1609 में पब्लिश हुए थे, थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश किए गए थे। जो 154 के कलेक्शन में जो सोनेट नंबर 1 से 126 तक है, अर्थात शुरुआत के 126 सोनेट्स, दे आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, और मिस्टर WH को जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो विलियम हर्बर्ट या हेनरी रॉट्सले के रूप में ही किया गया है, जो कि अर्ल ऑफ सदैम्पटन थे। शेक्सपियर के बचे हुए 127 से 152 तक जो सोनेट्स हैं, दे आर डेडिकेटेड टू सम डार्क लेडी, और डार्क लेडी को क्रिटिक्स ने आइडेंटिफाई किया है मैरी फिटन के रूप में, और ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। जो लास्ट के टू सोनेट्स हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स में, दे आर एलिगोरिकल इन ट्रीटमेंट, और वो डेडिकेटेड हैं लिटिल गॉड क्यूपिड के लिए। हालांकि जब ऑन द होल हम क्वेश्चंस पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को क्लास में, तो हम शेक्सपियर के सोनेट्स का दो ही डिवीजन बताते हैं। पहला डिवीजन 126 तक, जो अर्ल ऑफ सदैम्पटन को डेडिकेटेड है, और दूसरा डिवीजन 127 से 154 तक, जो कि डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। शेक्सपियर के जो सोनेट्स का स्ट्रक्चर है वो ये है कि शुरू में 3 जो है वो क्वाट्रेंस रहते हैं, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट रहता है। जो 3 क्वाट्रेंस हैं उनका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ, और जो राइमिंग कपलेट है लास्ट में उसका राइमिंग स्कीम है जी जी। एक चीज और जानने वाली है यहां पर, शेक्सपियर के 154 सोनेट्स जो हैं वो सारे उसी स्ट्रक्चर में लिखे हुए नहीं हैं कि 3 क्वाट्रेंस 4 लाइंस के और 1 राइमिंग कपलेट। कुछ सोनेट्स ऐसे भी हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे सोनेट नंबर 92। सोनेट नंबर 92 में 15 लाइंस है, सोनेट नंबर 126 में केवल 12 लाइंस है,
सोनेट नंबर 145 आयंबिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, जबकि फैशन है कि सोनेट्स आयंबिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के लिए मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेक्सपियर से संबंधित मोर देन 100 MCQs लेकर आऊंगा। आप पढ़ाई करिए और मन लगाइए और तब मेरे उन MCQs की स्टडी करिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।